नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल टेक्निकल दुनिया चैनल्स पे आप सभी को टेक्निकल से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी अपलोड की जाती है, तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि चैनल को सब्सक्राइबर, जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उसको हाइड करना क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी है तो उसको हाइड कैसे किया जाए। बहुत अच्छा सवाल था। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका चैनल जो है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको हाइड रखने का क्या बेनिफिट है, और दूसरी चीज़ की उसको अगर हाइड करना है तो हम उसकी क्या सेटिंग है, किस तरीके से उसका क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल का जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हाइड हो जाएंगे और आपके चैनल के सब्सक्राइबर किसी को दिखेंगे नहीं। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल उठता है कि सब्सक्राइबर लोग हाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल दिखावे की दुनिया है, अगर हम सब्सक्राइबर दिखाएं ना तो फिर लोगों कैसे पता चलेगा कि चैनल बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि आपके ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा समर्थन करते हैं, और आप उनके नजर में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हो जाते हैं और एक बहुत अच्छे आप व्यक्ति हो जाते हैं, आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाते हैं, आपके सब सब्सक्राइबर लोगों के बीच ज्यादा देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सब्सक्राइबर का हाइट क्यों रखा जाता है। क्योंकि जो मेन मोटिव है कि लोग सब्सक्राइबर को अगर दिखाएं तो लोगों के जो मेंटेलिटी जो है, जैसे कि मान लीजिए मैं भी हाइट रखा हूं अपना चैनल, मान लीजिए मैं ओपन चैनल कर देता हूं, चैनल का जो सब्सक्राइबर है ओपन कर देता हूं, और मान लीजिए कि हमारे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख सब्सक्राइबर दिखे, तो लोगों का जो परसेप्शन है, जो माइंड ऑफ परसेप्शन, जो वे ऑफ थिंकिंग है लोगों का, वो बेसिकली होता है कि इस बंदे का अगर 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छा करता होगा, और इसका जो माइंड सेटअप है बहुत अच्छा होगा, इसका जो नॉलेज होगा बहुत बढ़िया होगा, तभी इसके सब्सक्राइबर अच्छे हैं। लेकिन बात ये तो आती है जब आप 5-6 लाख सब्सक्राइबर पा जाते हैं तब तो ये बात आती है ना। लेकिन अब जब चैनल शुरुआत करते हैं और आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, आप कोई भी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके जो मेथड से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जिसको कि आसानी से लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन जब आप चैनल शुरुआत करें तो ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर कम होंगे। तो लोगों को क्या लगेगा, जब उस टाइम पे आप अगर सब्सक्राइबर खोल के रखते हैं तो लोगों को लगेगा कि ये आज तो फालतू होगा, कुछ बनाता नहीं है, इसके सब्सक्राइबर है ही नहीं, कुछ पता नहीं ऐसे कुछ बोल दिया होगा जिसके चलते इसके सब्सक्राइबर इतने कम है। तो वहां पे जो वे ऑफ थिंकिंग, जो लोगों की मेंटेलिटी, जो व्यूवर्स की जो मानसिकता होती है, वो वहां पे ऐसी सोच वाली हो जाती है कि ये तो अच्छा ऐसे ही बनाता होगा तो इसको छोड़ो, इसको सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेज होता है जब उस सिचुएशन में, जब आप चैनल स्टार्ट किए हैं और आपका चैनल अभी ग्रोइंग मतलब कर रहा है अभी, और आप अभी चैनल पे शुरुआत ही किए हैं, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर कम होंगे। लेकिन लोग आपके सब्सक्राइबर को देख के, जो आप ओपन किए होंगे, तो उस सब्सक्राइबर्स को देख के आपको अंदाजा लगाएंगे कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं और आप कितने ज्ञानी हैं, कि आप अच्छे वीडियोस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज होता है कि आप सब्सक्राइबर्स को हाइड रखते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो लोग हैं आपको इग्नोर करते हैं, आपको नेग्लेक्ट करते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करता होगा, जिसके चलते आपके चैनल के एक सब्सक्राइबर रुक जाते हैं, एक सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं वीडियोस और ऐसी मानसिकता और ऐसी मेंटेलिटी के साथ आपके वीडियोस को देखते हैं, तो उनका जो परसेप्शन बना हुआ है उसी परसेप्शन पे आगे बढ़ जाते हैं और फिर आपके चैनल को क्विट कर देते हैं, आपके चैनल को बिना सब्सक्राइब के ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मेन जो एक ही है, मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज एक ही है कि आप सब्सक्राइबर अगर खोल के रखते हैं तो ऐसी लोगों की मानसिकता बनेगी और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मैं भी कहूंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप अपनी शुरुआती दौर में आप एज ए यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइबर को हाइड करके ही रखें। क्योंकि आप सब्सक्राइबर हाइड करके रखेंगे तो आप अच्छी वीडियोज बनाएंगे तो लोग उसको देखेंगे, और देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो ये माइंड वाली परसेप्शन है कि अच्छा नहीं बनाता होगा ड्यू टू सब्सक्राइबर देख के, तो वो चीजें उनके माइंड से हट जाएगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो पॉइंट है वो यूट्यूबर के लिए बहुत सफिशियंट है और बेनिफिशियल है कि आप अपने चैनल का जो सब्सक्राइबर्स है उसको हाइड करके रखें। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हाइड करके रखते हैं, लेकिन इसको हाइड कैसे किया जाए? क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी सेटिंग्स होती है, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल सेटिंग्स होती है जिसके बारे में हम देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, इसका क्या मतलब है। तो आपको मैं अभी लाइव डेमो के माध्यम से दिखाऊंगा कि आपके जो चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसे हाइड किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो में कि चैनल के सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं।
तो चलिए तो बताता हूँ कि आपको सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब के, उसको हाइड कैसे करना है और उसकी क्या टेक्निक होती है और उसका बेनिफिट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा चैनल है टेक्निकल दुनिया, टेक्निकल दुनिया चैनल है, इसमें क्या है कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्सक्राइबर्स नहीं दिख रहे हैं। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, अबाउट सेक्शन में चले जाइए तो अबाउट सेक्शन में आपको नहीं दिखेंगे, और ना ही आप यहाँ पर जाते हैं तो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिखते हैं। तो इसकी क्या टेक्निक होती है, इसको सब्सक्राइब करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको सेटिंग बताऊँगा। चलिए आइए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा चैनल ओपन है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर वीडियो मैनेजर में जाना है, ठीक है। आपको वीडियो मैनेजर में जाना है। वीडियो मैनेजर के जाने के बाद यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक है, क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक है, यहाँ पे स्किप करना है क्लिक, और फिर लीजेसी जो क्लासिक है उस केस में आना है आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे दिखता हुआ एक चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पे चैनल का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल पे क्लिक करते हैं, तो चैनल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है, आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाना है, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक नीचे ऑप्शन देखता है कि डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके अगर आपका सेव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सब्सक्राइबर्स, जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको दिखेगा। दूसरा कोई अगर आपके चैनल को सर्च करता है या फिर आपके चैनल को क्लिक करता है, तो आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं वो डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल पर अगर इस कर्सर बटन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है वो सब्सक्राइबर्स आपको किसी और को दिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो इस पर आप क्लिक करके अगर आप इसको सेव कर देते हैं, इस पे आप क्लिक करना है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल। कह रहा है कि डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, यानी कि कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो किसी और को नहीं दिखेगा। तो इस पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। बस आपको क्या करना, बस यही करना, ज्यादा नहीं करना। आपको एडवांस सेटिंग में जाकर डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसको क्लिक करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप खुद देखिए, सेव करने के बाद आप करना क्या है आपको कि आप चैनल पर जाइए, चैनल पर रिफ्रेश कीजिए यहाँ पे। तो चैनल पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइबर दिखता है वो नहीं दिखेगा, आपको उसी टाइम हो जाएगा कि आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब को हाइड रखना चाहते हैं तो इस सेटिंग को जरूर कर लें। सेटिंग करने के बाद आपका जो चैनल होगा वो, आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो किसी को नहीं दिखेंगे। तो ये थी आज की जानकारी, जो कि आपको चैनल को कैसे सब्सक्राइब जो है उसको हाइड रखना है, उसको कैसे छुपा कर रखना है। तो ये थी सेटिंग, ठीक है। ओके, तो देखा आपने कि हमने किस तरीके से आपको एक एक चैनल की सेटिंग्स करके, एक एक चीज़ें बताकर आपको एक्सप्लेन किया, अपने चैनल को लाइव दिखा के एक्सप्लेन किया कि आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो हाइड कैसे हो, ताकि आप जो पहले बताई गई थी चीज़ें उसका आप फॉलो कर सकें, और हो सकता है कि उसको देखने के बाद आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स और आपके प्रति जो लोगों की मेंटेलिटी है वो सही हो जाए। तो ये कुछ विधि थी, ये आपको सब्सक्राइब हाइड करने का तरीका था। बाकी ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस बनाया जाए, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आप चीज़ें जो होगी उसकी वीडियोस में बनाकर आप लोगों के बीच लाता रहूं। बाकी इस प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड होगी आपको सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट और लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।